हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V27 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वन टाइम मोबाइल डेटा लिमिट सेटिंग को अपने यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वन टाइम मोबाइल डेटा लिमिट सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ऑप्शन मिल जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा हॉटस्पॉट एंड थिएटरिंग, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा वाईफाई हॉटस्पॉट, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा वन टाइम मोबाइल डेटा लिमिट का, इसे सेलेक्ट करना है। ये आपका पेज ओपन होगा वन टाइम मोबाइल डेटा लिमिट का। इसमें आपका है ना पहले से जो है अनलिमिटेड के सामने वाले सर्कल पे आपका पहले से टिक मार्क लगा होगा। अगर ये अनलिमिटेड पे टिक मार्क लगा रहता है तो ये सेटिंग कैसे काम करती है और आगे के ऑप्शन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अनलिमिटेड के सामने वाले सर्कल पे आपका टिक मार्क लगा रहता है तो इससे होता क्या है कि आप जब भी अपने मोबाइल फोन का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और आप अपना हॉटस्पॉट अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं तो आपका फ्रेंड जो है ना आपके हॉटस्पॉट के जरिए आपके मोबाइल फोन का सारा डेटा यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अनलिमिटेड पे ये सेटिंग ऐसे काम करती है। अगर आप इसे चेंज करके नीचे 50 MB, 100 MB, 200, 500 MB इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर इसे 100 MB पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है 100 MB पे सिलेक्ट करने से अब ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आपके जब भी अपने हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे ना और ऑन करने के बाद फिर जब आप अपने फ्रेंड को अपना हॉटस्पॉट शेयर करेंगे तो आपका फ्रेंड जो है आपके हॉटस्पॉट के जरिए सिर्फ 100 MB तक यूज कर पाएगा, उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपके हॉटस्पॉट के जरिए 100 MB से ज्यादा डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये सेटिंग ना इस तरीके से काम करती है आपकी वन टाइम मोबाइल डेटा लिमिट सेटिंग, ठीक है। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं आपके फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है वन टाइम मोबाइल डेटा लिमिट, ठीक है। आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।